चाहते हैं कि ऊपर वाला उनकी सभी अच्छी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करे। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगी कि आज उनका नॉलेज हमें मिले, आज मैं टाइम पे यहाँ पे हूँ, सबको मिले। यस यस, गुड मॉर्निंग। विशाखा मैम ने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? और मैं उनकी अप्लाई मिसेस दलवी मैम को बुलाना चाहूंगी, उन्हें लाइन करें से एक तरीके। बहुत दिनों के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद हमें फिर ये मौका मिला है कि हम आप लोगों के सामने वुमेन्स सेशन में प्रेजेंट करें। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर लिम ने हमें चारों हाथ से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस लेने के लिए का मौका दिया है। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर लिम ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और हमारा जो मेंबरशिप है एक हस्बैंड वाइफ का एक सिंगल मेंबरशिप दिया है, तो थैंक्स कहने के लिए मैं एक जोरदार ताली के लिए। क्यों मेंबरशिप दी है डॉक्टर लिम ने? क्योंकि हम साथ में हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके काम करें। हमारे साथ में मिलके काम करने से क्या होता है, हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, हमें मौका मिलता है कि हम हमारे हस्बैंड के साथ या वाइफ को मौका मिलता है हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को मौका मिलता है वाइफ के साथ हमेशा साथ में रहने के लिए। और कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ हस्बैंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है या वाइफ जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सिर्फ वो ही आती है, तो हमेशा जो सेकंड पार्टनर घर पर रहता है वो हमेशा उसके माइंड में वो ये कि कहाँ गए हैं, कौन से मीटिंग में गए हैं, वहाँ कौन मिलने वाला है। लेकिन अगर दोनों भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो हमारा विश्वास हमारा कॉन्फिडेंस दोनों के लिए बराबर मेंटेन होता है। और उसके साथ साथ जब हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, हम सोशली कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, हमें मौका मिलता है कि हमें जो ये ब्रांड को, ये जो डीएक्सएन ब्रांड है, इसको और इजीली और कॉन्फिडेंस से बढ़ाए। और उसके बाद जब हम कॉन्फिडेंस से बढ़ते जाते हैं तो हमारा अपना एक नेटवर्क हो जाता है और फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उतने ही कॉन्फिडेंस से उस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती है और उतने ही कॉन्फिडेंस से वही प्लेटफॉर्म पे आने की ताकत रखती है। सो रियली थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू डीएक्सएन मैनेजमेंट और थैंक्स टू हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। हम चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हमारा ही नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हर लेडी, हर नई जो लेडी जुड़ती है वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपना प्रेजेंटेशन दे और आप उसी तरीके से अपने ग्रुप को मोटिवेट करे और लोगों को भी मोटिवेट करे और खुद एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। अब उसके लिए हमारे लिए कुछ आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है, क्योंकि आगे जो 3 महीने आने वाले हैं उसमें हमारी जो डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने जैसे आज ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया उस तरीके से काफी मीटिंग्स इनटू पाइपलाइन है। सबसे पहली मीटिंग जो है वो आप आगे होने वाली 24 जुलाई को मीटिंग है नवी मुंबई में एनजेड एंटरप्राइजेस की तरफ से वहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है और जो वहाँ के स्पीकर है वो बिहार के डैशिंग लीडर मिस्टर रोशन कुमार है। तो मैं समझती हूँ कि आपके पास सबके पास वो टिकट्स अवेलेबल हो गए होंगे एंड मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब आइए वहाँ, नॉलेज लीजिए, मोटिवेट होइए और अपने ग्रुप को अपने जो भी अपने ये है उसको मोटिवेट करने की आपको मौका मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ मीटिंग्स और पाइपलाइन में है, जैसे कि फरवरी में एक दिन आता है 14th फेब, क्या होता है
आप लोग बताइए वैलेंटाइन्स डे। तो डीएक्सएन मैनेजमेंट ने हमें ये मौका दिया है कि हम फिर से डीएक्सएन वैलेंटाइन डे यानी कपल डे सेलिब्रेट करें इस ऑफिस में। तो उसके टाइम उसका जो डेट्स है वो आपको बताई जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो 14 फरवरी ही रहेगा। उसके बाद मार्च आता है। मार्च क्या होता है? हम महिलाओं का दिन, महिलाओं का मंथ। जैसे मुझे लगता है 4-5 सालों से यहाँ वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन बहुत जोरों शोर में मनाया जा रहा था 4-5 सालों से। बीच में कोविड भी आया, उसके बाद भी हमने एक साल शायद आके मनाया यहाँ पर। तो इस साल भी उसी तरीके की प्लानिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ जो जेंट्स बैठे हैं वो अपने बेटर हाफ, जैसे यहाँ जो हमारे एक बहुत एजेड लीडर है पीसी सिंह, उन्होंने कल जो मैसेज डाला था, उन्होंने क्या मैसेज डाला था कि यहाँ आप आपके बेटर हाफ को लाइए, यानी जो डॉक्टर लिम ने हमें पोजीशन दी है हस्बैंड वाइफ को टुगेदर।